तो अभी बस फ्रेश वगैरह होकर के खाने की आस लगी है। अभी यहाँ पे टेबल वगैरह लगाया जा चुका है, देखते हैं आज के डिश में कुक भैया ने क्या क्या बनाया है। फुल किचन में गाने वगैरह का पूरा व्यवस्था हो चुका है इधर, और पहले से काफी सुंदर भी हो गया है किचन। थोड़ा स्टाफ है लेकिन हम एंटर कर सकते हैं। चलेगा। सो अभी मैं हूँ होटल फोर सीजन में, और हमारे कुक भैया जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा खाना हमारे टेबल में सर्व किया। ये मेरे फेवरेट है, आलू भुजिया और पूड़ी, बेस्ट कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग खाने को एंजॉय करते हैं, मिलते हैं खाने के बाद। जोहार रौरेमन के, मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे एक पाइंट ट्रिप पे। बहुत ही बढ़िया जगह बनी हुई है यहाँ पे, लाइक यू नो आपको एक वाइब आ सकती है। इस तरह की कैंपिंग मैंने बहुत जगह पे की है, जैसे कि आप जब जाओगे, मैंने पावना लेक पे, पुणे में, और ये एक बाहर का कल्चर है जो कि यहाँ पे लाया गया है, विच इज़ रियली गुड। मैं हमेशा से सोचता था कि कुछ इस तरीके की फैसिलिटी जो है वो नेत्रहाट में होनी चाहिए, जैसे टेंट स्टे वगैरह हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेकर के आया हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे टेंट हैं, एंड यू नो स्टे इज़ रियली रियली गुड। यू नो इन्होंने पूरी एक जो है आपको लाइक एनवायरमेंट क्रिएट करके दिया है अच्छे से यहाँ पे आपके लिए। ये अच्छे से इन्होंने बाउंड्री की हुई है, जिसमें ये लोहे की पतली पतली रॉड है जिससे की हुई बाउंड्री। इससे क्या होगा कि जंगल के बीच में है तो आपको लाइक एनिमल्स वगैरह आने के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और तंबू भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। जब आप पूरा घूमोगे तो आपको सबसे अच्छी बात ये लगेगी कि ये फोटोजेनिक है, फुल फोटोजेनिक है। यहाँ पे आप जब चारों साइड में देखोगे, ये पाइन ट्री होते हैं, पाइन ट्री काफ़ी खूबसूरत होते हैं, जैसे शिमला वगैरह में आप देखते होगे, कुछ उस तरीके का नज़ारा होता है यहाँ का। वाइब अच्छी है, रात को आएंगे तो लाइटिंग अच्छी होगी। अभी मैं टेंट के अंदर का टूर आपको करवा देता हूँ यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि टेंट कैसा होता है, खोलिएगा भी जरा। वाओ, सी दिस, हाउ ब्यूटीफुल, वेरी नीट एंड क्लीन। ये देखो, मैंने टेंट टम्बू तो बहुत देखे हैं लेकिन दिस इज रियली गुड, वेरी हाइजेनिक। यहाँ पे 3 लोग आप आराम से सो सकते हो। आपको चार्जिंग के लिए यहाँ पे बोर्ड भी मिलेंगे, और बेड भी काफ़ी अच्छा है, कुशन भी नीचे गद्दीदार है, यू नो आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पे। निकलता हूँ, मैंने शूज़ पहने हुए, और बहुत सारे यहाँ पे लगभग मैं टेंट यहाँ पे देख पा रहा हूँ। उसके बाद अभी इसके बारे में डिटेल प्राइसिंग वगैरह की भी बात करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह के आइटम भी बन जाते हैं, जो आप लाइक चाय पानी, मैगी वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फुल सुविधा उपलब्ध है। तो अभी मैं इस टेंट स्टे में आ चुका हूँ, जिसका नाम है इको विकास समिति। ये एक संस्था है जो लोग चला रहे हैं, और काफी रीजनेबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नेत्रहाट में। अगर आपको कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस लेना है, यू मस्ट कम हियर। आपको ऐसा लगेगा यू नो कि नेचर से जुड़े हैं। अगर आप आते हो, आपको होटलों में ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, बट ये सारे ऑप्शंस आपके पास कम है।
नेत्रहाट में रहने के लिए वैसे तो बहुत सारी जगह है, तो यहाँ के जो मतलब संचालक हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम उमेश हुआ। उमेश इनका नाम है, ये नेत्रहाट के ही लोकल निवासी है, तो इनसे थोड़ी प्राइस वगैरह के बारे में बात करेंगे। सो क्या रेट वगैरह रखा है आपने, कुछ जरा बताइए। एक टेंट जाता है मतलब 1200 रुपया, और उसमें 3% अलाउ रहता है। ओके ओके। वन नाइट चेक इन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन चेकआउट टाइम हम लोग 10 से 11 बजे तक देते हैं। ओके। तो मतलब अगर 1200 रुपये आप वन नाइट का लेते हो, दिस इज रियली अफोर्डेबल। आप 3% रहते हो, आपको 400 रुपीज ईच आते हैं, और कपल वगैरह रह सकते हैं इसमें? जी जी, कपल जी। रह सकते हैं, सारे मतलब 18 प्लस होने चाहिए। फाइन, मतलब अगर आप कपल आते हैं तो भी स्टे कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सेफ है, एकदम है ना। तो रात में जब लोग सोते हैं तो आप यहाँ पे कोई बंद कर देते हैं गेट, ऐसा? गेट बंद कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी है और गेट भी लॉक कर दिया जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके चारों ओर अच्छे से लोहे से उन्होंने वो बाउंड्री कैप्चर किया हुआ है, ताकि कोई जंगली जानवर ना आए, तो आपकी सेफ्टी का ख्याल है। साथ में यहाँ पे आपको फूड प्रिपरेशन भी करके मिलता है, जिसमें आप मैगी, चाय और क्या क्या है? दाल, चावल, रोटी। ओ, पूरा फूड भी है? जी जी। मतलब अगर आपको फूड खाना है तो यहाँ पे आपको फूड भी अवेलेबल रहता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कब आपने स्टार्ट किया ये? यहाँ पे 2 साल मतलब हो चुका है इसका अभी। 2 साल? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इन्होंने लाइक मतलब इतने समय से चला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैंने जो आपको बताई कि इनका जो अंदर का सैनिटाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा है, सब कुछ बेड वगैरह अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। चलिए, आप कभी आते हो तो यहाँ पे विजिट करें। ओके, और यहाँ का जो नंबर रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से यहाँ पे आके स्टे कर सकते हो। सो विश यू अ वेरी हैप्पी स्टे इन नेत्रहाट। तो हमने दिन भर अच्छे तरीके से नेत्रहाट को कवर किया, जो सारी वीडियोज़ आपको अगले एपिसोड में दिखेगी। फिलहाल अंधेरा हो चुका है, तो हमारा प्लान रात को डिनर करने का टेंट में ही है, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, राशन वगैरह लाएंगे और रात में कुकिंग करेंगे यहाँ पे। ये नेत्रहाट का मार्केट है, उतनी चहल पहल नहीं है बट ठीक है। यहाँ पे बुधवार को एक बाजार लगता है, उसी समय यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। आज तो मस्त जंगल के बीच में खाना बन रहा है, बोन फायर हो रहा है। हमारे मुखिया जी स्पेशलिस्ट देहाती स्टाइल फूड मेकिंग गोइंग ऑन। लाइटें जल रही है उधर, वो झूमर रिजॉर्ट है, उन्होंने पूरा झूमर लगाया हुआ है इसलिए इतना चमक रहा है। अंधेरा है, लाइट आएगा तो यहाँ का वाइब दिखाएंगे आपको। लाइट आ गई है अभी, इधर बोन फायर है, रात के 9 बज रहे हैं और ये वाइब है। ये पाइन ट्री जंगल के बीच में टेंट, सुकून। रात के बज रहे 11 और हम जा रहे हैं चांद को देखने के लिए, कोयल व्यू पॉइंट पे। लोग सनराइज देखने जा रहे हैं, हम चांद को देखने जा रहे हैं। सो अब देखते हैं चंद्रमा कैसा दिखाई देता है। मून राइजिंग, लेट नाइट मून, रोड ये सीआर रोड का, और हम यहाँ पे गेट बंद होती है रात को, बट ये हमारे लिए खुलेगा क्योंकि हमारे साथ मुखिया जी है। खोलो खोलो खोलो। बदल चुका है कोयल व्यू पॉइंट टोटली। अभी रात को हम लोग दरवाजा खुलवा के यहाँ पे आए हैं, और सुबह आएंगे जरूर, और इसको मैं आपको पूरे दिन में दिखाता हूँ। थोड़ी नाइट में आपको सैर करवा देता हूँ। ये बैम्बू वाला है, वाओ, लविंग दिस प्लेस। अभी आ चुका हूँ यहाँ पे रात में, और आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर लग रहा है, लाइटिंग कितनी अच्छी है, इतनी प्यारी वाइब है यहाँ की। बट अप्सरा नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल स्वर्ग विदाउट अप्सरा। मैं आपको एक विजुअल्स दिखा देता हूँ रात की, बहुत ही अमेजिंग। व्हाट अ लवली प्लेस, आई एम लविंग इट, टोटली आई एम लविंग इट। ये रात का व्यू है, अभी ये चालू नहीं हुआ है, ये हो जाएगा चालू अभी कुछ टाइम के बाद से। लेट्स टेक अ टूर। अमेजिंग, इतनी ज़बरदस्त जगह है ये। यू नो, जब लास्ट टाइम आया था मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लाइक एक साल में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है,
जब मैं दिन में आपको दिखाऊंगा और प्रीवियस और अभी की वीडियोस दिखाऊंगा तो आप देख पाओगे कि कितना ज़्यादा बदलाव आया है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुखिया जी राम जी के वजह से ये परिवर्तन हो पाया है, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं मुझे, जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सब कुछ। सो जल्दी सोते हैं ताकि सुबह यहाँ पे सनराइज़ पे आए एंड विल एंजॉय द मॉर्निंग। मैं अभी इसमें सोने जा रहा हूँ। मस्त यहाँ पे चार्जर वगैरह भी दिया हुआ है। हाँ, ये मस्त सा अभी आज की रात यहीं पे कटेगी, तो अभी सोने जा रहा हूँ। उससे पहले अभी डाटा वगैरह कुछ कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद सोऊंगा। 12:30 बज गए रात के, काफ़ी अच्छी वाइब है। कॉपी करके सो के मिलता हूँ आपसे अगले सुबह, सनराइज वगैरह जाना है। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।